हिम्मत है, हौसला
समाज में नफरत फैला रहे हैं, इस समाज में आग लगा रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, जात को जात से लड़ा रहे हैं, धर्म को धर्म से लड़ा रहे हैं। अगर टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए कोई निकला है तो वो जनाब राहुल गांधी है। भारत जोड़ो के जरिए तकरीबन 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक दिलों को जोड़ने के लिए, जख्मों को मरहम लगाने के लिए, एक दूसरे को मिलाने के लिए, पूरा हिंदुस्तान के लिए करने के लिए, तो ये भी नहीं चला है तो जनाब राहुल गांधी। मुझे फख्र है कि मैं ऐसे लीडर का फॉलोअर हूँ जिसने मुझे इज्जत का मौका दिया कि मैं आपका MLA बनकर यहाँ खड़ा हूँ। मेरा कोई सियासी परंपरा ताल्लुक नहीं है। अगर मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ, एक मामूली सा नौजवान, गलियों में सड़कों में घूमने वाला नौजवान अगर यहाँ खड़ा है तो उसका सबब ये जनाब राहुल गांधी है। कर्नाटक कौन सा रुख लेगा, क्या प्यार और मोहब्बत का रुख लेगा या जहर और आग का रुख लेगा? आज फैसला होना है, 10 तारीख को इसका फैसला होगा। और आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जनाब राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, सिद्धरामैया जी की लीडरशिप में, डीके शिवकुमार जी की लीडरशिप में 13 तारीख को रियासत कर्नाटक में एक प्यार और मोहब्बत की, अपना अमान की, भाईचारे की हुकूमत बनेगी। वापस इस मुल्क में, इस रियासत में तरक्की होगी। इसी के लिए राहुल गांधी जी यहाँ आए हैं। मैं ज्यादा ना वक्त लेते हुए राहुल गांधी जी से आग्रह करता हूं, ना राहुल गांधी और ना केंद्र कोटा जिले बदलागी धन्यवाद नानु हेल्ता इद्दे, याकंद्रे नम ऐतिहासिक चांदनी चौक के अवरु बंदिद्दारे, नम्मन्नु भेटी माडोदक्के संदेश कोडोदक्के बंदिद्दारे, अवरिगे स्वागतवन्नु माडि अवरु नम्मेल्लरन्नु उद्देशिसि मातनाडबेकु अंत केळ्कोळ्ळुत्ता इद्दीनि। प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मेरा मूड था कि मैं एक मीटिंग कर्नाटक में चुनाव में प्रियंका के साथ करूं। छोटी सी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उसकी मीटिंग काफी लेट चल रही है। और बारिश आनी शुरू हो गई तो फिर मैंने सोचा अगर हम इसको ज्यादा लेट कर देंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए आपसे नमस्कार कर चार साल से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, अलग अलग सरकारों को अलग नाम दिए जा सकते हैं, किसी को विकास की सरकार कहा जा सकता है, सरकार जैसे
इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उसको गरीबों की सरकार कहा जा सकता है। बीजेपी को 40% चोरी की सरकार कहा जा सकता है। को कैसे दिया जाए सरकार चोरी की सरकार चोरी की सरकार एमएलए को पैसा देकर चोरी की सब चीजें 40% चोरी कर तो चोरी की सरकार है कर्नाटक में चोरी से बनी और चोरी करती है। सब इंस्पेक्टर बनना है पैसा दो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है पैसा दो असिस्टेंट इंजीनियर बनना है पैसा दो कोऑपरेटिव बैंक में पैसा दो अच्छा बीजेपी के एमएलए कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी 2500 करोड़ में खरीदी जा सकती है। बीजेपी शासक है मुख्यमंत्री है इतना भ्रष्टाचार हुआ उधर लाइन लगी हुई है खरीदने के लिए वहाँ पर अगर 10% का लोन लाइन है वो सब खरीद जाता है डेढ़ लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने कर्नाटक के युवाओं से चोरी किया है। कर्नाटक के युवा याद रखो आप बेरोजगार हो क्यों बेरोजगार हो क्योंकि आपकी जो सरकार है कर्नाटक की सरकार है उसने आपसे 1.5 लाख करोड़ रुपए चोरी किया। युवक रे युवक मित्र रे निमल्लो वस्तु नेपाली छोड़े युवक तो निमल्लो रे क्या साइल है यहाँ क्या अंतर है ये लोग लो भ्रष्टाचार में लूटी मारी कदम मार रही कर रहे 1.5 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता भाई और बहनों कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हाईवेज अस्पताल सब कुछ बनाया जा सकता है। लाखों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। लक्षांतर युवकों के किसानों के लिए कोल्ड चेन बनाई जा सकती है। ये पैसा इन्होंने आपसे चोरी किया है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी कहते हैं प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में आपकी सरकार 40% कमीशन देती है। कॉन्ट्रैक्टर प्रधानमंत्री के बरदर नोडी ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮತ್ರ ಇಲ್ಲ 40% ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಲೂಟಿ ಲಂಚ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। नमके सहाय मोदी अंत कॉन्ट्रैक्टर केल रहा है इल्ली अवरेगू प्रधानमंत्री अदके उत्तर कोटिल्ला। कर्नाटक का 6 साल का बच्चा जानता है कि कर्नाटक की सरकार 40% वाली सरकार कर्नाटक के लिए चिक्र मनु सहाय मंतु बीजेपी सरकार 40% सरकार अंता तो प्रधानमंत्री को भी मालूम है तो प्रधानमंत्री को भी मालूम होगा अगर कर्नाटक के बच्चे जानते हैं तो प्रधानमंत्री को जानना होगा। कर्नाटक के फुट फुट मक्कल प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री ने कहा था डबल इंजन सरकार चली प्रधानमंत्री ने यही कहा इल्लू बीजेपी अल्लू बीजेपी डबल इंजन सरकार तो प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख करोड़ रुपए का कितना पैसा दिल्ली वाले इंजन को मिला प्रधानमंत्री
कब किया था? मतलब कर्नाटक वाले इंजिन को कितना मिला, दिल्ली वाले इंजिन को कितना मिला? दिल्ली वालों को नहीं मिला होगा तो प्रधानमंत्री को उसका मुस्तो करते साल में कोई कार्रवाई नहीं की। नालको वर्ष काल ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। कोई एक्शन नहीं। ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವರ ಮೇಲೆ। किसी को जेल में नहीं। ಯಾರಿಗೂ ಜೈಲೆ ಸಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ। मैंने अदानी जी की बात की, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अदानी ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು। मगर कर्नाटक में दवा का भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं। कर्नाटक तो प्रधानमंत्री कर्नाटक की जनता को बताइए आपने क्या किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रधानमंत्री और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार अच्छा यहाँ आते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, निरुद्योग के अच्छा अजीब सी बात है। मैं आया, मैंने यहाँ नेताओं के नाम लिए, जहाँ भी मैं जाता हूँ सिद्धरमैया जी, डीके शिव कुमार, यहाँ पे रिजवान वेणुगोपाल जी का नाम लेता हूँ। प्रधानमंत्री एक घंटा का भाषण करेंगे मगर येदियुरप्पा और मुंबई जी का नाम नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री पता नहीं शर्माते हैं, अब स्टेज पर लाइन लगी रहती है, बीजेपी रहता है, प्रधानमंत्री आते हैं। ना येदियुरप्पा ना बोम्मई, ना येदियुरप्पा नहीं इल्ला बोम्मई नहीं इल्ला, बस मोदी मोदी मोदी, बस मोदी मोदी मोदी। अच्छा रोड शो में आते हैं, रोड शो में आते हैं, रोड शो होगा। हमारे रोड शो में सब नेता एक साथ चलते हैं। ना रोड शो होगा ना ना इल्ला नायक रहना जोते रोड़ी नहीं थी। जैसे आज छोटा सा ट्रक था उसमें डीके जी थे, सब थे हम। मोदी जी का रोड शो होता है, मोदी वाला रोड शो नेताओं को सड़क पर उतार देते। बीजेपी के नेता बीजेपी के नेता ऐसे ऊपर क्यों देखते हैं? देखो देखो मोदी जी जा रहे हैं, देखो देखो मोदी वो धक्के खा रहे हैं। अच्छा हमारी यात्रा देखो, बारह छोड़ो यात्रा देखो, 550 किलोमीटर चले नम तो भारत छोड़ो नाम लड़ते कर्नाटक। हमारे सब नेता, हमारे सब नेता जनता से गला गले गले मिले। आपने फोटो देखी होगी गांधी जी की, सिद्धरमैया जी की, डीके की, डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन के प्रतियोगी जनवट्टी के अपनी तब्बी माता ने जनता से बातचीत करते हुए, प्रति जनवट्टी के माता ने बच्चों के साथ फोटो लेते हुए, मोदी जी खड़े थे कुछ दिन पहले यहाँ पे रोड शो हुआ, रोड शो आई तो मोदी और लिफ्ट कर दी थ्रो, बच्चे खड़े हुए थे उनके सामने बाहर द्वार लगा हुआ। देखो देखो मोदी जी आए, मोदी मंत्र, मोदी मंत्र। अच्छा हमारे
यात्रा में हमने आपसे पूछा हमें क्या करना चाहिए। बार छोड़ी मुश्किलें क्या है, समस्या क्या है, आपने बताया महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार। हमने आपसे पूछा क्या करना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी और बड़ी और मन सी ना बात करता है और किसी की मन की बात नहीं सुनते कभी। हम आपकी मन की बात सुने, युवाओं के मन में क्या था, महिलाओं के मन में क्या है, किसानों के मन में क्या है, छोटे व्यापारियों के मन में क्या है, हमने सबसे पूछा। सरकार को आती है, सरकार किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, तो हमारी मन की बात से जरूरी आपकी मन की बात। तो हमने आपसे पूछा, आपने हमें बताया। महिलाओं ने कहा कि महंगाई से हम पिस रहे हैं, डर लगता है, अंधेरा है, अंधेरे को निकालिए, महंगाई का बोझ कम कीजिए। हमने दो काम किए, महिलाओं के और सरकार के बनने के पहले दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में ये कानून बन गए। कर्नाटक की महिलाओं ने हमें कहा, आप सब ने कहा अंधेरा मिटाओ, महंगाई की चोट कम करो, गृह लक्ष्मी स्कीम 2000 रुपए हर महीने कर्नाटक की हर महिला को, पहला काम। दूसरा काम सखी स्कीम, कर्नाटक में कोई भी महिला बस में एक पैसा नहीं देगी, कहेंगे कि हमने क्या गलती की, ये आपने महिलाओं को फ्री में बस टिकट दिलवा दिया, हर महीने 2000 रुपए दिलवा दिया, हमने क्या किया, हमारी क्या गलती। मोदी जी ने हमें बेरोजगार कर दिया, बीजेपी ने हमारे भविष्य का पैसा छीन लिया, बीजेपी भविष्य हमने क्या कमी है, नमल्ली करने आ गए, कोई कमी नहीं है, नमल्ली करने आ। तो आपके लिए युवा निधि स्कीम, युवा निधि योजना, कर्नाटक के हर ग्रेजुएट के लिए 3000 रुपए महीने के, कर्नाटक अब डिप्लोमा होल्डर्स कहेंगे भैया हमने क्या करा, हमारी क्या गलती,
आपके लिए 1500 रुपए महीने के 2 साल के लिए। और पीपीआई के लोग कहेंगे भैया हमारी क्या गलती, महिलाओं को 2000 रुपए, वो बीपीएल परिवारों को भी मिलेंगे। युवाओं को, ग्रेजुएट्स को और डिप्लोमा होल्डर्स को 3000 होगा। 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को, कोई भूखा नहीं सोएगा। और ग्रह ज्योति स्कीम योजना बंदे, ग्रह ज्योति आपके बच्चे भी शाम को लाइट में पड़ेंगे, रात्रि जन बड़े 2000 के लिए बिजली, 200। अब किसान कहेंगे भैया आपने बीपीएल की बात कर दी, महिलाओं की बात कर दी, युवाओं की बात कर दी, हमारी क्या गलती। नरेंद्र मोदी जी हमारे ऊपर जीएसटी लागू कर दी, नरेंद्र मोदी जीएसटी नोटबंदी करके जो हमने पैसा बताया वो छीन लिया, बीमा का पैसा हमसे छीन लेते हैं, इंश्योरेंस नुकसान होता नहीं, रुपया नहीं मिलता, तो हमारी क्या गलती। अब वो नहीं होता जो आप कर्नाटक की रीम कहती हो, रीम कहती हो, राइट कर्नाटक शक्ति। आज जो इस भीड़ में रोटी खाई चावल खाया वो आपने दिया, बीजेपी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए चोरी किए, बीजेपी 5 साल में उतना ही पैसा किसानों के हित के लिए डाल देंगे। उन्होंने आपका बीमा का पैसा छीना, 5000 करोड़ रुपए का फंड आपके बीमे के लिए आपका, आज सब्सिडी दूध से 5 रुपए की 5 रुपए लीटर है, प्रति लीटर में 5 रुपए सब्सिडी है, उसको हम 7 रुपए लीटर कर, तो आप पूछोगे ये 5 काम जो आप करने जा रहे हो पहले दिन करोगे इसमें 1000 करोड़ रुपए लगेंगे। ये पैसा कहाँ से आएगा भाइयों बहनों, याद रखिए बीजेपी ने 40% पैसा आपसे चोरी किया, जितना पैसा इन्होंने आपसे दिया है उतना पैसा हम आपकी जेब में डालेंगे। और ये शुरुआत है, ये जो बड़ी प्रारंभ हिंदुस्तान में फैशन बना हुआ है, हिंदुस्तान में वो वसा फैशन शुरू आई है, अरबपतियों को जो भी चाहिए मिल जाता है, कोटि-कोटि
लाखों करोड़ रुपए ले जाते हैं, बैंक लोन माफ हो जाता है, जमीन चाहिए जमीन ले लो, जमीन फ्री करता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट चाहिए वो ले लो, फैक्ट्री चाहिए वो ले लो, सारा का सारा 5-10 अरबपतियों के लिए किया जाना है। इस यार करता है केवल ये देश एक तरफ 10-15 लोग खड़े हैं, दूसरे तरफ करोड़ों लोग खड़े हैं, करोड़ों लोगों को कुछ मिलता नहीं, उनकी जमीन छीनी जाती है, वो 24 घंटा जीएसटी भरते रहते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, अस्पताल में उनसे पैसा छीना जाता है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, न्याय होना चाहिए, अगर 1 रुपया उधर जा रहा है तो 1 रुपया इधर आएगा, उल्टा होना चाहिए, 1 रुपया उधर जा रहा है तो 2 रुपया इधर आएगा, सरकार जनता की होती है, सरकार का काम जनता की रक्षा करने का होता है, किसानों की मदद करने का होता है, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचने का होता है, अफजाई के वक्त राहुल गांधी साहब ने अपनी स्पीच को रोक दिया है, आप इस वीडियो पे देख सकते हैं। तो आपने अभी किसी ने कहा कि ये सब काम हम कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये जो सब काम है ये आपकी शक्ति से हो रहे हैं, शक्ति ये जो काम है ये आपकी आवाज के कारण हो रहे हैं, हम सिर्फ जो किसान की आवाज है युवाओं की आवाज है उसको सुन रहे हैं, कर्नाटक को चलाने की शक्ति आप में है, कर्नाटक शक्ति आपने कहा, किसी और ने कहा कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया, देखिए उसके बारे में तो आपको मोदी जी से बात करनी पड़ेगी, मगर
मगर नरेंद्र मोदी जी से भी हिंदुस्तान में किसी का फोन नहीं लगता। वो उनके दो तीन मित्र हैं, उनका लग जाता है। उनके हवाई जहाज में उठते वो मगर ग्रह ज्योति से आपको 2,000 रुपए महीने के मिल जाएंगे। अच्छा एक और बात, पता नहीं क्यों ये बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है। ये सुबह उठते हैं 40 नंबर बोलना शुरू कर देते हैं और सोने के टाइम भी 40 बोलते हैं। पता नहीं सपने में भी ये 40 ही देखते होंगे। तो इस बार इनको 40 सीटें दिला दीजिए। और कांग्रेस पार्टी को 150 सीटें दिलाई। नहीं तो फिर ये फिर से लग जाएंगे चोरी करते हुए। ये MLA को खरीदने में लग जाएंगे। मत तो भारी बहुमत